हमारा फैसला कीजिए महाराज। हम कानदार से व्यापार करने के लिए विजयनगर आया। ये अब्दुल्ला झूठा है, हमारा पीछा करते करते इधर विजयनगर तक आए। ये अब नहीं तो हमारा पीछा करते करते इधर आया। महाराज वो हमारी बेगम है, हमें उसको ले जाने की इजाजत दीजिए, हम उसको अच्छे से देखभाल करेगा। हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हो महाराज। महाराज ये समस्या आपके लिए छोटा होगा पर हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है। महाराज हमने सुना है ये पंडित रामकृष्णा प्रजा के दुख दर्द को बहुत करीब से समझता है। महाराज इनको बोलो ना कि हमारे समस्या का समाधान करें, हमको यकीन है कि सब ठीक होगा। ए बंधु तैयार हो जा रामा, ये समस्या भी तेरे सर आने वाली है। किंतु मुझे इसका समाधान नहीं सूझ रहा बंधु। सुना आपने पंडित रामकृष्णा? जी महाराज। आपको इस समस्या का समाधान निकालना है और वो भी अभी इसी समय। अभी? जी महाराज। व्यापारी और किसान दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है? वो स्त्री इन दोनों में से किसकी पत्नी हो सकती है? मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र युद्धवीर, तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। युद्धवीर मैं तुमको सबका प्रिय बनने का उपाय बताता हूँ। प्राचीन खंडहर में एक बाबा रात्रि में मिलते हैं, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मनुष्य को सबका प्रिय बनने का गुण आ जाता है। कभी अवसर मिले तो अर्धरात्रि प्राचीन खंडहर में जाना और ये गुप्त बात सबको नहीं बताता। यदि ये बात कुंडप्पा को पता चल गई तो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर वो मेरा प्रिय बन जाएगा। प्राचीन खंडहर में तो कोई नहीं जाता, कहीं गुलवल युद्धवील से उपास तो नहीं कर लेते? परंतु क्यों तलेंगे, युद्धवील तो गुलवल का प्रिय शिष्य है। मुझे प्राचीन खंडहर में जाकर ज्ञात करना ही होगा। यदि गुलवल की बात सच हुई तो मैं भी सबका प्रिय बन जाऊंगा। आज कुंडप्पा अवश्य आएगा पुराने खंडहर में, फिर कभी गुरुकुल में आने के योग्य नहीं रहेगा। पंडित रामकृष्णा क्या सोच रहे हैं आप? अरे बताइए ना पंडित रामकृष्णा जी, आप पर तो माँ का आशीर्वाद है, निर्णय करिए अंततः वो स्त्री किसकी पत्नी है, किसान अब्दुल्ला बांगड़ू की या व्यापारी तौफीक सेठ की? आप तो महाज्ञानी हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार वेशभूषा भाषा शैली से उसके व्यक्तित्व को ज्ञात कर लेते हैं। तो बताइए किसकी पत्नी है वो? धन्यवाद गुरुवर। धन्यवाद मत करिए, समस्या का समाधान करिए। गुरुवर अब आपके कारण ही तो इस समस्या का समाधान निकालने का मार्ग दिख रहा है, तो धन्यवाद भी तो आप ही को कहूंगा। आपके कारण ही ये जानने का उपाय मिला है कि वो स्त्री किसकी पत्नी है। महाराज यदि राजवैद्य आज्ञा दें तो मैं उस स्त्री को दरबार में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामकृष्णा आप? आपने सुना नहीं राजवैद्य जी ने क्या कहा था? उस स्त्री से कोई भी प्रश्न पूछना उसके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। गुरुवर मैं उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, किंतु इस समस्या का हल तो केवल उसी स्त्री के पास है महाराज, इसलिए उन्हें यहाँ बुलाया जाए। अवश्य पंडित रामकृष्ण, स्त्री को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये पंडित रामकृष्णा बिना कुछ पूछे कैसे निर्णय कर लेगा कि कौन इस स्त्री का पति है? महाराज राजवैद्य जी ने बिना प्रश्न किए जांच करने की आज्ञा दे दी है। देवी जी आपको भयभीत होने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
आपको बस एक छोटा सा कार्य करना है। कृपया बाहर जाएं और थोड़ी सी घास काट कर ले आए। घास काट कर लानी? ये कैसी मूर्खता की बात कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? गुरुवार इनके साथ जाओ। धन्यवाद महाराज। अब देवी जी को स्याही की गोलियां और एक खाली शीशी प्रदान की जाए। अब क्या करने वाला है पंडित रामकृष्ण? देवी जी, अब आपको एक अंतिम कार्य करना है। कृपया इन गोलियों से स्याही बना दें, इन्हें जल दिया जाए धन्यवाद। स्वामी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है ये पंडित रामकृष्ण। महाराज, मैं अपने निर्णय के साथ तैयार हूं और मेरा निर्णय ये है कि ये देवी व्यापारी तौफीक सेठ की पत्नी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अलहमदुलिल्लाह, शुक्रिया। पंडित रामकृष्ण, क्या सबूत आपके पास कि ये हमारी बेगम नहीं तौफीक सेठ की बेगम है? पंडित रामकृष्णा, कृपया स्पष्ट कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। महाराज, स्त्री ने स्वयं बताया है कि ये किसकी पत्नी है। स्त्री ने बताया? स्त्री ने तो एक शब्द भी नहीं बोला है। वही तो गुरुवर, मैंने पहले इन्हें घास काटने को कहा। यदि ये किसान अब्दुल्ला बांगड़ू की पत्नी होती तो ठीक उसी प्रकार घास काट कर लाती जिस प्रकार घास काटने में अभ्यस्त किसान की पत्नियां काटती। उनके द्वारा काटी गई घास बिल्कुल एक समान आकार की होती है, किंतु ये देखिए महाराज, जो घास ये काट कर लाई हैं, वो अलग अलग आकार की हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि आज से पूर्व इन्होंने घास काटने का कार्य कभी नहीं किया और इसलिए ये किसान की पत्नी नहीं हो सकती। फिर मैंने इनसे दवात में जल भरने के लिए कहा। महाराज, व्यापारियों को कलम की आवश्यकता पड़ती रहती है और इसलिए व्यापारियों की पत्नियां स्वयं उन्हें स्याही बनाकर देती हैं। इसलिए उन्हें ज्ञात होता है कि स्याही बनाने में जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब ये देखिए महाराज, इस शीशी में भी जल उतना ही डाला गया है जितना आवश्यक था। इससे ये सिद्ध होता है कि ये एक व्यापारी की पत्नी हो सकती है। जब किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी बताते हुए शर्म नहीं आती आपको? सैनी को बंदी बना लिया जाए इसे। नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए। इसके कब्जे में है। क्या? क्या? हमारा इमरान इसके कब्जे में है। तुम हमसे झूठ बोला, तुम हमको बोला कि रिश्तेदार के सर के पार उसको छोड़ के आया है। अब डर गया था, अपने बच्चे के खातिर हमने झूठ बोला, इसलिए
दरबार में भी खामोश था। महामंत्री जी। महाराज। बोल अब्दुल्ला, बता इस स्त्री का बच्चा कहाँ है? बोल। हमको नहीं मालूम। याद रहे, हमारी तलवार के एक वार से तेरा सिर धड़ से अलग हो सकता है। बोल। वो उधर सराय में जिदा हम ठहरा हुआ है। सिपाहियों, इसके साथ जाओ और बच्चे को ले आओ। आ! महाराज, हम लोग कांदार देश का रहने वाले हैं। ये अब्दुल्ला भी कांदार देश का ही है। हमारे निकाह से पहले हम अब्दुल्ला से प्यार करता था, लेकिन उसकी झगड़ालू आदत की वजह से हमारे अब्बू ने हमारा निकाह इनके साथ कर दिया। महाराज, हम यहाँ पे अपने शौहर के साथ उनके कारोबार के सिलसिले से आया था और ये यहाँ भी आ गया। इसने हमें हमारे बच्चे के साथ देखा और हमारे बच्चे को अगवा कर लिया, हमको धमकी दिया कि अगर हम उसकी बेगम नहीं बना तो हमारे बच्चे का कत्ल कर देगा। हम डर गया था इसलिए कुछ नहीं बोला। किंतु चुप रहकर धमकी सुनना भी अपराध ही होता है देवी जी। ऐसा करके तो आप उस अब्दुल्ला बांगड़ू की योजना सफल ही कर रही थी। इसलिए कभी भी अपराधियों से भयभीत नहीं होना चाहिए और समय रहते उनका विरोध करना चाहिए। यदि आपने ये बात पहले ही बता दी होती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। हमारा बच्चा। महामंत्री जी, इस अब्दुल्ला को कारावास में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सैनिको, ले जाओ इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपकी वजह से आज हमको हमारा बेगम और हमारा बच्चा दोनों मिल गए। पंडित रामाकृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत समझदार हैं। आखिर आप हर समस्या का हल इतनी आसानी से कैसे कर लेता है? करना ही पड़ता है, मेरा कार्य है ना। नहीं करूंगा तो महाराज के दरबार में सलाहकार के पद पर कैसे रहूंगा? ये सिर्फ आपका काम नहीं, आपका हुनर है पंडित रामकृष्ण जी, जिसे आपके सिवा और कोई अंजाम नहीं दे सकता। जो आप करता है ये बड़े से बड़ा काबिल इंसान भी नहीं कर सकता है। हम ता उम्र आपका एहसान मंद रहेगा। चलो बेगम, चलो। स्वयं देख लेना सुगंधा, हमारे मुंह बोले भाई कृष्णा हमारा स्वागत किस सम्मान से करते हैं। कृष्णा हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा भाई चक्रवर्ती महाराज कृष्ण देवराय है। सत्य में वो इतने महान है? कान कान तो है ना, वो राजा है तो क्या मनुष्य नहीं है? कान किसे नहीं होंगे? कान नहीं, महान महान महान। हाँ हाँ समझ गए, चिल्ला क्यों रही हो? त्रिलोकी, हम विजयनगर कब तक पहुँचेंगे? कल तक। चलकर क्यों? क्या तेरे सहायकों के पैर टूट गए हैं? राई, चल नहीं, कल तक पहुँचेंगे।
हाँ हाँ समझ गए। चिल्लाते क्यों है? हम सब जानते हैं, उतावली हो रही हो ना हमारे भाई से भेंट करने के लिए। हमारा भाई एक आकर्षक पुरुष है, हमें पता है वो तुम्हारे मन को अवश्य भाएंगे। तुम हमारी भतीजी हो, किसी राज की राजकुमारी नहीं हो तो क्या हुआ? हमारा भाई हमारा कहां कभी नहीं टालेंगे, वो अवश्य तुमसे विवाह करेंगे। पंडित रामकृष्णा जी महाराज। पंडित रामकृष्ण एक बात बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि हम आपका कार्य नहीं कर सकते, अर्थात हम विजयनगर राज्य का पालन करते हैं, कि आपका कार्य हमारे कार्य से अधिक कठिन है? नहीं नहीं महाराज, वो तो नहीं। पंडित रामकृष्णा, जब व्यापारी की पत्नी ने आपसे बात कही तो आप मंत्रमुग्ध रह गए थे जी। आपकी मुस्कान में उनकी बात का अनुमोदन था। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित रामकृष्ण एक बात बताइए, आपको क्या लगता है हमारा कार्य क्या है? जी महाराज। हाँ बताइए पंडित रामकृष्ण, एक महाराज होने के नाते हमारा कार्य क्या है? वो विजयनगर पर शासन करना, हम सबको आदेश देना, जैसा आपने अभी मुझे इस समस्या का हल करने का आदेश दिया था महाराज। अच्छा, आपका तात्पर्य है कि एक राजा केवल आदेश देता है। पंडित रामकृष्णा, महाराज का कार्य केवल आदेश देना होता है। यदि यही आपकी सोच है तो यह पूर्णतः महाराज का अपमान, राजद्रोह है। रामा, बात बिगड़कर कहीं और जा रही है, संभाल ले। नहीं नहीं गुरुवर, मैं तो ये कह रहा था कि हर राजा यही करते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है पंडित रामकृष्ण कि हम किसी भी आम राजा की भांति है, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। महाराज, महाराज पंडित रामकृष्ण का कहने का तात्पर्य क्या तात्पर्य है महामंत्री जी, क्या तात्पर्य है? शिव 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 शिव। एक साधारण राजा और चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री कृष्ण देवराय में कोई अंतर नहीं है? शिव। नहीं नहीं गुरुवर, मैं व्यक्तित्व और शौर्य की बातें नहीं कर रहा। यही इसी बात की कमी रह गई थी पंडित रामकृष्ण। आपकी दृष्टि में महाराज का व्यक्तित्व और शौर्य कुछ नहीं। नहीं नहीं गुरुवर, महाराज राजा बनकर राज्य करना कठिन कार्य होता है पंडित रामकृष्णा। इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी प्रजा का ध्यान रखना होता है, आसान काम नहीं है पंडित रामकृष्णा। एक दिवस के लिए सिंहासन पर बैठ कर देखो, सब ज्ञात हो जाएगा आपको। यहाँ खड़े होकर राय देने से कुछ नहीं होगा। राय देना आसान है, राजा बनना कठिन कार्य है। उचित कथन है आपका गुरुवर, परंतु केवल एक दिवस ही क्यों, तीन दिवस क्यों नहीं? अर्थात पंडित रामकृष्णा, हमने एक निर्णय लिया है। पंडित रामकृष्णा, अब देंगे महाराष्ट्र में दंड। और हमारा निर्णय यह है कि कल से तीन दिवस तक पंडित रामकृष्णा हमारा कार्यभार संभालेंगे और हम पंडित रामकृष्ण का ये क्या 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 महाराज? ओह, इसका अर्थ यह हुआ कि अगले तीन दिवस तक पंडित रामकृष्णा विजयनगर के महाराज बने रहेंगे। सत्य कथन है आपका गुरुवार, ऐसा ही होगा। परंतु महाराज, गुरुवार